हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 233 और आज हम लोग जेनेटिक्स को ही कंटिन्यू करते हुए तीन टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो टर्म्स पे जा रहे हैं, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स वो सारे कैरेक्टर्स जिनका जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, देखो यहां पर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि इन दोनों के जीन्स ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है। दोनों के ही जीन्स प्रेजेंट होंगे ऑटोसोम्स पे और केवल सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम पे। तो एक तो मेन डिफरेंस ही हो गया। अब अच्छा, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस, तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स जीन्स प्रेजेंट है ऑटोसोम्स पे एंड कैरेक्टर्स आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्स। समझने के लिए देखिए, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्स यानी किसी पर्टिकुलर सेक्स तक ही ये कैरेक्टर सीमित है। या तो ये कैरेक्टर आपको मेल में दिखेगा या कैरेक्टर आपको फीमेल में दिखेगा, दोनों में ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। अब इनके भी जीन्स प्रेजेंट होंगे ऑटोसोम्स पे बट इनके कैरेक्टर्स का जो एक्सप्रेशन है वो सेक्स ऑफ इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस होता है। यानी ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट दोनों में होंगे लेकिन सेक्स डिसाइड करेगा इनका, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बेस पे अलग अलग जीनोटाइप में ये अलग अलग फिनोटाइप शो करता है। देखेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे तो आपके लिए और चीज क्लियर हो जाएगी। वापस एक बार बता रहा हूं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट है इनके, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑटोसोम्स पे। कैरेक्टर्स अगर लिमिटेड है एक पर्टिकुलर सेक्स तक तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स अगर इन्फ्लुएंस होते हैं एक सेक्स से तो वो कहलाते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो या तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे या फिर वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। सेक्स लिमिटेड के एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, तो बियर्ड एंड मुस्टाच इन मेल या फिर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है हमारे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल में है पैटर्न बाल्डनेस। अब ये पैटर्न बाल्डनेस कैसे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है वो हम लोग इसको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। यहां पर केवल हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, पैटर्न बाल्डनेस सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स का है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स है। सेक्स लिंक्ड या तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तो आप उसको कहोगे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स या फिर एक्स लिंकेज कहते हैं इसे, और अगर वाई क्रोमोसोम पे एसोसिएटेड होंगे तो हम कहेंगे वाई क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर्स या फिर आप उसे कहोगे वाई लिंकेज। तो ये हो गया वाई लिंकेज, वो सारे कैरेक्टर्स जो वाई क्रोमोसोम पे है, या फिर होंगे एक्स लिंकेज जो सारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। आई कलर इन ड्रोसोफिला का पूरा जेनेटिक्स आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है आई कलर इज डिटरमाइंड बाय अ जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। उसके अलावा कुछ डिजीज आपने पढ़ी रहेगी जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इनका भी जो करेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। वाई क्रोमोसोम के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आएगा SRY जीन और सेकेंड एग्जाम्पल होगा हाइपरट्राइकोसिस पिन्ने। देखो इस स्लाइड में हम लोग केवल एग्जाम्पल्स के नाम लिख रहे हैं, डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे ताकि आपको एक एक सिंगल इस इमेज से या एक स्लाइड से आपको सारे एग्जाम्पल्स एक बार साफ याद हो जाए। सेक्स लिंकेज की सबसे पहले डिस्कवरी की थी मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर, तो जो आई कलर इन ड्रोसोफिला है ये सबसे पहली डिस्कवरी है रिगार्डिंग सेक्स लिंकेज। शुरुआत करते हैं हम लोग एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर्स के साथ और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। देखो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस उसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो वो एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिटेल में हम नहीं समझेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसे आप कहते हो फ्रूट फ्लाई, पढ़ा होगा आपने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसपे थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लिंकेज की डिस्कवरी की थी, उसी पे उन्हें एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर्स की भी डिस्कवरी की थी। देखो ड्रोसोफिला में आई का कलर दो फिनोटाइप शो करता है, या तो रेड होगी या फिर व्हाइट होगी। रेड आई के लिए जो हम अलील लिख रहे हैं वो है एक्स कैपिटल आर, एक्स इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है इसलिए, तो कैपिटल आर अलील रेड आई के लिए है और स्मॉल आर जो अलील है वो होगा हमारे व्हाइट आई के लिए। तो स्मॉल आर
जब आएगा तो वाइट आई जो कि रिसेसिव करेक्टर है, और डोमिनेंट करेक्टर रेड आर जो आएगा हमारे कैपिटल आर से। और यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये रेड आई और यहाँ पर ये वाइट आई ड्रोसोफिला में। क्लियर, शुरुआत करते हैं हम। जीनोटाइप्स किस किस टाइप के बनेंगे? देखो सबसे पहला जो जीनोटाइप बन रहा है एक्स आर, एक्स आर। अब कैपिटल आर डोमिनेंट रहता है तो ऑब्वियसली यहां पर रेड कलर आएगा, और एक्स एक्स क्रोमोसोम है मतलब कि ड्रोसोफिला फीमेल होगी, तो ये हो गई रेड आइड फीमेल। नेक्स्ट लेते हैं एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। अगेन एक्स कैपिटल आर डोमिनेंट है, एक्स और एक्स फीमेल है, तो ये हो गई रेड आइड फीमेल। नेक्स्ट है एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर फीमेल होगी, और बिकॉज डोमिनेंट करेक्टर नहीं है रेसेसिव होमोजाइगस है, तो ये हो जाएगा वाइट आइड फीमेल। उसके बाद में आ रहा है एक्स स्मॉल आर वाई, वाई आ चुका है मतलब कि मेल होगा और यहां पर करेक्टर होगा वाइट, तो ये वाइट आइड मेल होगा। और नेक्स्ट एक्स कैपिटल आर वाई, ये होगा रेड आइड मेल। तो ये सिंपल जीनोटाइप्स जो हमें पांच अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। चार जीनोटाइप्स मिलेंगे, एक रेड आइड फीमेल, वाइट आइड फीमेल, वाइट आइड मेल और रेड आइड मेल। क्रॉसेस देखते हैं हम लोग, एक बार एग्जांपल देखते हैं। हमने सबसे पहले एक रेड आइड फीमेल ली, उसका मैंने क्रॉस करवाया एक वाइट आइड मेल के साथ में। क्लियर दिख रहा होगा, आप जीनोटाइप से फाइंड आउट कर सकते हो, रही है रेड आइड फीमेल होगा और ये होगा वाइट आइड मेल, क्योंकि यहां पर रिसेसिव करेक्टर है कैपिटल एक्स पे। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया, अब इससे कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? इससे केवल एक टाइप का गैमेट बनेगा एक्स कैपिटल आर, जबकि इससे दो टाइप के गैमेट बनेंगे एक्स स्मॉल आर और वाई। तो जब मैंने क्रॉस करवाया ये पेरेंट्स लेकर, तब मुझे दो अलग अलग जीनोटाइप मिले। एक मिला एक्स आर और एक्स स्मॉल आर, यानी ये फीमेल होगी रेड आइड, और जो दूसरा जीनोटाइप मिला वो मिला एक्स कैपिटल आर और वाई, यानी कि एक रेड आइड मेल। यानी जो एफ वन जनरेशन है, उस एफ वन जनरेशन में जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी रेड आइड होंगे। अब अगर अपने को एफ टू जनरेशन चाहिए, तो जैसे हम प्लांट्स में करते हैं सेल्फिंग, यहां पर वर्ड सेल्फिंग हम यूज नहीं कर सकते, सेल्फिंग वर्ड यूज होता है प्लांट्स में। यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा इंटर क्रॉसिंग। अब इस इंटर क्रॉसिंग में मैं इसी रेड आइड मेल का क्रॉस करवाऊंगा इसी रेड आइड फीमेल के साथ में। अब इससे कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? इससे गैमेट्स बनेंगे एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, और जो मेल है उससे बनेगा एक्स कैपिटल आर और वाई। तो बस आप पनेट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स कैपिटल आर इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये होगी रेड आइड फीमेल। उसके बाद में एक्स कैपिटल आर वाई, ये होगा रेड आइड मेल। फिर आएगा एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और ये होगा रेड आइड फीमेल। और सबसे लास्ट में बनेगा एक्स स्मॉल आर वाई, यानी कि वाइट आइड मेल। यानी कि रेड इज टू वाइट का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए एफ टू जनरेशन में, तो रेड इज टू वाइट का इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स आप आंसर दोगे 3:1। केवल एक वाइट आइड ऑफस्प्रिंग मिलेगी जो कि होगा मेल। केवल मेल का कंपैरिजन करें तो 1:1 के रेशियो में रेड आई और वाइट आई मिलेगी। फीमेल सारी की सारी रेड आइड है, फीमेल सारी की सारी रेड आइड है, दोनों फीमेल रेड आइड है। नेक्स्ट क्रॉस में हम लोग इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या होता है कि आप पेरेंट्स को चेंज कर दो। चेंज कर दो मतलब, देखो हमने इस क्रॉस में फीमेल को लिया है रेड आई, तो अगर मैं इस फीमेल को ले लूं वाइट आई, और यहां पर मेल जो है वाइट आइड है, और मैं नेक्स्ट क्रॉस में मेल को ले रहा हूं रेड आई, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी आपने जो मदर है उसका फिनोटाइप फादर वाला कर दिया, और फादर का फिनोटाइप मदर वाला कर दिया, तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी कुछ इस तरह की क्रॉस हो जाएगी। अब वाइट आइड फीमेल और आएगा रेड आइड मेल। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है क्या उसका रिजल्ट सेम आता है क्या एक्स लिंक्ड करेक्टर्स में, तो उसकी स्टडी हम लोग यहां पर करेंगे। अब वाइट आइड फीमेल ये हमने पेरेंट्स लिया, इनको क्रॉस करेंगे, और यहां पर जो एक ही गैमिट बनेगा वो होगा एक्स स्मॉल आर, और यहां पर दो गैमिट बनेंगे, एक बनेगा एक्स कैपिटल आर और एक बनेगा वाई। तो क्रॉस करवाया मैंने, तो जो पहला जीनोटाइप बनेगा एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगी रेड आइड फीमेल, बिल्कुल सही। और उसके बाद में जो सेकंड बनेगा वो बनेगा एक्स स्मॉल आर और वाई, यानी कि वाइट आइड मेल। वाइट आइड फीमेल और वाइट पेरेंट है और वाइट आइड मेल ऑफस्प्रिंग है, जबकि पेरेंट में रेड आइड मेल था और ऑफस्प्रिंग में रेड आइड फीमेल है। अब ये चीज ये आप ध्यान से देखो, फीमेल वाइट आइड थी, अब वाइट आइड क्या है मेल में। सिमिलरली मेल यहाँ पर रेड आइड था और अब यहाँ पर फीमेल में आ गई है रेड आइड। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड करेक्टर्स है वो फॉलो करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
ये हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ इसके बारे में, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पे। क्यों कहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? क्योंकि क्रिस क्रॉस चलता है कैसा, फीमेल से मेल में आएंगे करेक्टर्स और मेल से करेक्टर आएंगे फीमेल में। यानी कुछ ऐसा होगा, समझो कि अगर फादर है तो फादर के एक्स लिंक्ड करेक्टर्स, देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस केवल चलता है एक्स लिंक्ड करेक्टर्स में, ऑटोसोमल करेक्टर्स में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एप्लीकेबल नहीं होता। फादर से करेक्टर्स आ जाएंगे उसकी डॉटर में और ये करेक्टर्स बाद में डॉटर से चले जाएंगे ग्रैंडसन में, यानी कि मेल टू फीमेल और वापस फीमेल टू मेल। सिमिलरली मदर के जो करेक्टर्स होंगे वो मदर के करेक्टर्स जाएंगे सन के अंदर और सन के करेक्टर्स वापस चले जाएंगे ग्रैंड डॉटर में, यानी कि मेल पेरेंट से फीमेल ऑफस्प्रिंग, कुछ ऐसा। इसी को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो होता है केवल एक्स लिंक्ड करेक्टर्स के अंदर। अब वापस इनका इंटरक्रॉसिंग करवाएंगे F1 जनरेशन का आपस में, तो अब हमने को F2 रेशियो निकालना होगा, F2 जनरेशन निकालना होगा। यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे X कैपिटल R और X स्मॉल R, यहाँ पे भी दो गैमेट बनेंगे X स्मॉल R और कैपिटल Y। तो जब इनका इंटरक्रॉसिंग करेंगे ये चार गैमेट्स, पहला अगर हम देखें क्रॉस तो यहाँ बनेगा X कैपिटल R स्मॉल R यानी कि रेड आइड फीमेल, नेक्स्ट बनेगा X कैपिटल R Y रेड आइड मेल, उसके बाद बन रहा है एक्स स्मॉल आर यानी कि व्हाइट आइड फीमेल, और सबसे लास्ट में बन रहा है एक्स आर वाई यानी कि व्हाइट आइड मेल। तो रेड और व्हाइट का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1:1, ठीक है, मेल में बराबर 1:1 का रेशियो आएगा और फीमेल में भी बराबर 1:1 का रेशियो आएगा रेड इज टू व्हाइट का। यानी ये रिजल्ट बिल्कुल अलग है जो रिजल्ट था हमारे पिछले क्रॉस में, ठीक है। F2 जनरेशन के जो रिजल्ट्स हैं F1 और F2 के, ये बिल्कुल अलग होंगे हमारे जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं। ये क्लियर बता रहा है कि X लिंक्ड करेक्टर्स में रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम नहीं आते, उनमें वेरिएशन आएगा ही आएगा और हमेशा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो होगा। तो ये एग्जांपल था आई कलर इन ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाई क्रोमोसोम लिंक्ड करेक्टर्स, वो सारे करेक्टर्स जो वाई क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होते हैं। अब वाई क्रोमोसोम्स पे अगर नंबर ऑफ जीन्स देखा जाए तो बहुत कम जीन्स हैं, वाई क्रोमोसोम्स अपने आप में बहुत कम जीन्स रखता है, इसलिए वाई क्रोमोसोम को हम लोग जेनेटिकली इनर्ट या जेनेटिकली एम्प्टी क्रोमोसोम कहते हैं। जेनेटिकली इनर्ट क्योंकि ज्यादा क्रोमोसोम ज्यादा जीन्स है नहीं उसके पास में, तो ज्यादा ये एक्टिव नहीं रहता, और जेनेटिकली एम्प्टी क्योंकि जीन्स नहीं है उसमें, खाली पड़ा है वो ज्यादातर, इसलिए हम इसे जेनेटिकली एम्प्टी क्रोमोसोम कहते हैं। जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होलेंट्रिक जीन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। व्हाट आर होलेंट्रिक जीन्स? ऑल दोज जीन्स जो वाई क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है वो कहलाते हैं होलेंट्रिक जीन्स। नहीं याद रहता अगर आपको ये चीज, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। देखो यहाँ पे समझना इस चीज को अच्छे से, ये जो टर्म है ना एंड्रिक, इससे मिलता जुलता अगर आपने कोई वर्ड पढ़ा है तो वो आपने पढ़ा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो मेल पार्ट है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो ये जो एंड्रो वर्ड है, ये एंड्रो वर्ड यूज किसके लिए होता है? ये वर्ड यूज होता है मेल के लिए। तो होलेंट्रिक जीन्स मेल क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम कौन सा है? वाई क्रोमोसोम है, इसलिए वाई क्रोमोसोम एसोसिएटेड करेक्टर्स को हम कहते हैं होलेंट्रिक जीन्स, होलेंट्रिक जीन्स इन शॉर्ट। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से करेक्टर्स प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है SRY जीन का। देखो अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, SRY जीन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने आप से एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो SRY जीन याद कैसे करेंगे? इट इज द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग का S, रीजन का R और वाई क्रोमोसोम का वाई, क्या बन गया? SRY क्रोमोसोम, यानी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ध्यान रखना ये जीन डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस वक्त SRY जीन डिसाइड करता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करेगा, और ये कहाँ प्रेजेंट है? वाई क्रोमोसोम पे। तो एक बात काफी क्लियर है कि ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स है वो एक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करता, सेक्स इज डिटरमाइंड ओनली बाय वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन नहीं करेगा, वाई क्रोमोसोम डिसाइड करेगा मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे करेगा वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। देखो ये वाई क्रोमोसोम का फिगर है मेरे पास में, ये इस तरफ नीचे वाली हो गई लॉन्ग आर्म, ये यहां से लेकर यहां तक दिस इज दी
लॉन्ग आर्म नीट 2019 का क्वेश्चन था कि लॉन्ग आर्म को क्या कहते हैं, तो क्यू आर्म जो रहता है दैट इज द लॉन्ग आर्म, और जो पी आर्म रहता है ये पी आर्म जो वो कहलाता है शॉर्ट आर्म। तो शॉर्ट आर्म में वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट रहता है एस आर वाई जीन या सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। काम कैसे करेगा वो देखेगा, एस आर वाई जीन जब सेंट्रल डॉगमा परफॉर्म करेगा, सेंट्रल डॉगमा मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, यानी ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अभी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा फैक्टर जो टेस्टिस डिटरमाइन करेगा यानी टेस्टिस का फॉर्मेशन करवाएगा, उसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यानी अगर एम्ब्रियो में वाई क्रोमोसोम होगा तो तभी TDF प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और तभी टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रियोजेनेसिस पे चलते हैं हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, डेवलपमेंट चल रहा है, और जब अर्ली एम्ब्रियो होगा तो उसमें गोनेट्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड होते हैं मतलब आप इनको देख के नहीं बता सकते कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। अब अर्ली एम्ब्रियो में जब ये अनडिफरेंशिएटेड वाली स्टेज में है, अब अगर इस वक्त TDF का फॉर्मेशन हुआ, अगर इस वक्त TDF यानी TDF नाम का प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ जो कौन बनाएगा SRY जीन, तो अगर TDF का फॉर्मेशन हुआ तो ये अनडिफरेंशिएटेड गोनाड जो है डिफरेंशिएट होके किसमें बन जाएगा टेस्टिस में, ये अनडिफरेंशिएटेड गोनाड डिफरेंशिएट हो जाएगा टेस्टिस में, और टेस्टिस का फॉर्मेशन होने पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते ही मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। इन केस वाई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा तो SRY जीन भी नहीं होगा और TDF का फॉर्मेशन नहीं होगा, TDF अगर नहीं होगा तो टेस्टिस जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता। टेस्टिस का अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ एम्ब्रियो में सिक्स वीक तक, कब तक, सिक्स वीक तक, इफ टेस्टिस इज डज नॉट डिफरेंशिएट टिल सिक्स वीक इन एम्ब्रियो, तब अपने आप फीमेल रिप्रोडक्टिव गोनेड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि गोनेड जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा ओवरी में। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके पास में है अनडिफरेंशिएटेड गोनेड, इस अनडिफरेंशिएटेड गोनेड अगर TDF होगा तो टेस्टिस बनाएगा और अगर TDF नहीं होगा तो ये बनाएगा ओवरी, यानी कि सिक्स वीक तक अगर टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो अपने आप ओवरी का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसी और सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप ये कह सकते हो कि मेल सेक्स डेवलप होने के लिए TDF का रिक्वायरमेंट होता है, और अगर TDF वहां नहीं हुआ तो अपने आप फीमेल सेक्स डेवलप होगा, इसलिए हम कहते हैं कि फीमेल इज अ डिफॉल्ट सेक्स। यानी अगर मेल सेक्स डेवलप नहीं हुआ तो अपने आप फीमेल ही डेवलप होगा, आपको अलग से सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंस रहता है SRY जीन का। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं वापस रिपीट कर दूं कि ह्यूमन बींग्स में वाई क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ SRY जीन। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे चलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वाई क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर का। देखो हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने, इस वर्ड को अगर मैं तोड़ू तो हाइपर का मतलब क्या होता है, एक्सेस यानी ज्यादा, ट्राइको ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, ट्राइको का मतलब होता है हेयर, आपने पढ़ा रहेगा बॉटनी के अंदर ट्राइकोम्स यानी स्टेम हेयर्स, और ट्राइको बार बार ये वर्ड जहां पे भी आपको मिलेगा तो समझ लेना हेयर की बात कर रहा है, यानी और पिन्ने ईयर पिन्ना की बात चल रही है यहाँ पे। यानी कुछ लोग देखे होंगे आपने, कुछ मेल देखे होंगे जिसमें ईयर के ऊपर एक्सेस हेयर का ग्रोथ रहता है, इसलिए इस कंडीशन का नाम रखा गया हाइपर यानी एक्सेस ट्राइकोसिस, यानी कि एक्सेस हेयर ऑन ईयर पिन्ना इज कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने। ये फिगर देखो आप किस तरह से आपको पिन्ने के ऊपर बहुत सारे एक्सेस हेयर का डेवलपमेंट दिख रहा होगा। एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन ईयर पिन्ना इज हाइपरट्राइकोसिस पिन्ने एंड दिस इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स एज जीन इज ऑन वाई क्रोमोसोम। ये करेक्टर केवल मेल में देखने को मिलेगा बिकॉज इसका जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो एक्स लिंकेज में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट ड्रोसोफिला का आई कलर, वाई में हमने डिस्कस किया अबाउट SRY जीन और हाइपरट्राइकोसिस पिन्ने। नेक्स्ट एग्जांपल चलता हूं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट होंगे ऑटोसोम्स पे, बट इनका एक्सप्रेशन इज लिमिटेड टू एन अ सिंगल सेक्स, यानी या तो मेल में दिखेगा यह कैरेक्टर या फिर ये फीमेल में दिखेगा, दोनों में नहीं दिखेगा। लिमिटेड ओनली टू अ पर्टिकुलर सेक्स बट जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, यानी मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा, एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स
डिपेंड ऑन सेक्स हॉर्मोन्स। करेक्टर्स का एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा किस पे, सेक्स हॉर्मोन्स पे। सिंपल सी बात है, अगर टेस्टोस्टेरोन डेवलप होगा तो अपने आप में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स मेल में जो अलग रहते हैं वो डेवलप होंगे, और अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, तो वो है सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है। अब देखो यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स के जो जीन्स हैं वो कहां प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स पे, यानी कि वो जीन्स मेल में भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे। बट जैसा मैंने कहा कि करेक्टर डिपेंड करेगा सेक्स हॉर्मोन्स के ऊपर, यानी कि जो बियर्ड एंड मुस्टाच, अब बियर्ड एंड मुस्टाच का जीन प्रेजेंट दोनों में है, मेल में भी है और फीमेल में भी है, बट ये एक्सप्रेस करता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन होगा तो बियर्ड एंड मुस्टाच का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज बियर्ड एंड मुस्टाच का डेवलपमेंट नहीं होता। बट ये जीन प्रेजेंट दोनों में होता है, मेल और फीमेल में, बट द एक्सप्रेशन इज लिमिटेड टू अ करेक्टर, इसलिए हम बोलते हैं इसको सेक्स लिमिटेड करेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर्स में। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर्स, जैसा पहले डिस्कस किया है कि ये करेक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्स से, कैसे होंगे वो भी देखेंगे हम लोग। जीन्स प्रेजेंट है ऑटोसोम्स पे, यानी बोथ सेक्स में प्रेजेंट है, बट जीन्स का एक्सप्रेशन मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। ध्यान से सुनना, जीन्स दोनों में प्रेजेंट है लेकिन जीन्स का एक्सप्रेशन मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। कैसे, एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं इसको। मैं बात करूंगा पैटर्न बाल्डनेस की, बाल्डनेस गंजापन जिसे हम कहते हैं, और पैटर्न क्यों बोला, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पैटर्न बाल्डनेस। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब किस तरह से ये मेल में अलग एक्सप्रेस होगा, फीमेल में अलग एक्सप्रेस होगा, वो देखते हैं हम लोग। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है ये पैटर्न बाल्डनेस, तो अगर दोनों जीन कैपिटल, यानी कि दोनों जीन अगर डोमिनेंट हुए, दोनों एलील्स अगर डोमिनेंट हुए, तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों में बाल्डनेस होगी। मैं पैटर्न बाल्डनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेल में भी पैटर्न बाल्डनेस होगी और फीमेल में भी पैटर्न बाल्डनेस होगी, बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट है और दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है डोमिनेंट, तो दोनों में ही ये करेक्टर दिखेगा। नेक्स्ट स्मॉल बी की मैं बात करूं तो यहां पर डोमिनेंट अलील है ही नहीं और ये कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ना तो मेल ना ही फीमेल दोनों ही पैटर्न बाल्डनेस शो नहीं करेंगे। अब यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहां तक तो नॉर्मल जेनेटिक्स ही चल रहा है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बट डिफरेंस आएगा जब ये हेट्रोजाइगस होगा, यानी एक होगा डोमिनेंट अलील और एक होगा रिसेसिव अलील। हमने ऊपर लाइन में ही कह दिया था कि जीन्स जब हेट्रोजाइगस होंगे तभी वो अलग अलग एक्सप्रेशन शो करेंगे मेल और फीमेल में, यानी व्हेन द जीन इज हेट्रोजाइगस देन इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेल और फीमेल, इनका एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि सेक्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था कि इसमें होना चाहिए था पैटर्न बाल्डनेस, इसमें पैटर्न बाल्डनेस होना चाहिए था, बट मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा। ये फिगर देखो आप, इसमें आपको दिख रहा होगा पैटर्न बाल्डनेस एक पैटर्न फॉलो करता है, किस तरह से धीरे 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 जो बाल वो हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में उड़ने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं पैटर्न बाल्डनेस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल में डेवलप होगी लेकिन फीमेल में डेवलप नहीं होगी, यहां पर डिफरेंस आ गया, यहां पर डिफरेंस आ गया। क्यों, क्योंकि द करेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल सेक्स, दैट इज मेल में ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, फीमेल में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो बस यही डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर्स। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से बाल्डनेस क्लियर यहां पर दिखाई दे रही है, दिस इज पैटर्न बाल्डनेस। तो ये डिफरेंस था सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स, सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड।